लेवेंडर में, यही है सेम है, ये मेरा मल्टीपर्पज लिपस्टिक है सब में। अच्छा दैट वाज वेरी न्यू मैम जो आपने आज लिपस्टिक का बताया, तो वो मतलब दाग पे जैसे कुछ स्पॉट्स है वहाँ पे पहले करना है फिर कंसीलर लगाना है, फैंटास्टिक। एंड माई क्वेश्चन वाज कम्प्लीटली रॉन्ग, वो कंप्लीटली थैंक यू। सो विकास सर ये जो चीज, ये जो चीज़ है ना मैम, ये टिप्स जो होते हैं बात के बड़े काम के होते हैं ये, क्योंकि थैंक यू मैम के। नहीं 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 मेरा इसके लिए बड़ा मजाक उड़ाया गया है टीम में कि आप यूट्यूबर हो गए हो, लेकिन आज मैंने ये देखा लोग उसके वजह से जानते हैं, आज कम से कम 50 लोग यूट्यूबर हो गए हैं मेरे बाद, क्योंकि उन्हें उसका बेनिफिट समझ में आया। आपके नाक से दो उंगली का डिस्टेंस, अगर कोई नया है कोई पहली बार ब्लशर लगा रहा है तो दो उंगली रख के ब्लशर लगाए, जिससे नॉट राइट वे ऐसे नहीं लगाते, बिल्कुल गलत है। या तो आप स्माइल करते, जब आप स्माइल करते तो आपके ब्लशिंग बाहर आते हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, नाक से एग्जैक्टली दो उंगली रखो और फिर यहाँ से ब्लशर लगाओ, ग्रेट परफेक्ट लगता है यहाँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ लगा हुआ है, दैट इज अ परफेक्ट ट्रिक टू यूज ब्लश। आईब्रोज का जो एक आपने देखा होगा आईज का थोड़ा सा, मैं टीचर रह चुकी हूँ और टाइम की, तो एक स्ट्रेस यहाँ पे मैंने दिखता है, है उसे तो आपकी आंखें हुडेड हो चुकी है अंदर, राइट आप हमेशा क्रीज बनाइए पहले। आईब्रोज जब मैं लगा लेती हूँ ना करना होता है, उसमें ऐसा लगता है इट्स लुकिंग आर्टिफिशियल, नहीं आप बड़ा डाउन, ब्रश को हमेशा स्टैंडिंग मोड में रखिएगा। हम ब्रश हमेशा सुलाते हुए लगाते हैं जब हम आई शेडोज लगाते थे, पर जब आप आईब्रो पे कवर कर रही हो ब्लैक कलर, तब आप ब्रश को टिप रखोगे सिर्फ, और टिप के थ्रू आप उसको कवर, एंड वो बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने उसको कलर किया है, वो आपके ओरिजिनल है। उसमें क्रीज बनाना होता है उसमें, नहीं उसमें याद रखना ब्रश को लीजिए, आपका ये जो नोज की सीधाई है ना, यहाँ जो कट आ रहा है ये, आप यहाँ यहाँ ब्रश रुकेगा और आपका लिप यहाँ पे रुकेगा, हमेशा याद रखना जो ब्रश बनेगा तो इस तरह से वो लाइन देगा, पहला आप आईब्रो यहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरा आपका जो टिप है ये टिप ब्रश यहाँ रखेगा, और ये टिप और ये दोनों एक लाइन में दिखना चाहिए, लिप का कॉर्नर ये, और सॉरी ये वाला टिप और ये यहाँ पे नोज वाला कॉर्नर, और जब आपका ये वाला आखिरी कॉर्नर है, ये आखिरी कॉर्नर इस तरह से बनाओगे कि ये कॉर्नर और लिप का कॉर्नर मिक्स हो, यस राइट नो आई डोंट हैव अ ब्रश अदरवाइज आई विल शो यू कि आपको किस तरह से तीन स्ट्रोक में आप अपना आईब्रो बना सकते हैं। थोड़ा अंदाजा आ गया कि शेप में लाना है, जो शेप में लाना अनइवन लगता था मेरा, शेप में लाना है लाइक, और हमारी सभी की आईब्रोज एक शेप की नहीं है, आप एक साइड देखोगे आपके स्ट्रोक नजर आएंगे, एक साइड में आपका फ्लैट नजर आएगा, सभी की होती है, किसी की आईब्रोज एक शेप की नहीं होती, 100 में से हार्डली एक मिलेगा जिसका दोनों आईब्रोज सेम। अच्छा मेरे फेस वाइज ब्यूटी पार्लर इसलिए तो चलते हैं करना चाहिए क्या मेरे नोज वाइज है, योर नोज इज परफेक्ट, योर नोज इज परफेक्ट। अच्छा एक ये भी होता है मैम, जैसे आपने फिंगर्स उठाया साइड से जिसकी यहाँ चौड़ी हो, यहाँ से करने के लिए नहीं, यहाँ से करने से अगेन ये हिस्सा ब्रॉड दिखेगा आपको, ये हिस्सा अगर ब्रॉड है उसको शॉर्ट करना है तो आप सीधा यहीं से दोनों ब्रॉड कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ यही करिए, यही करोगे सारा कवर हो जाएगा। आप कभी चाइनीज वीडियो देखोगे तो उसमें जिस चीज बताते हैं मैम आपने बताई ना, मैंने देखा था उसमें ये पूरा दे डू मेनी थिंग, मतलब पूरा फेस चेंज कर देते हैं वो लोग, बिकॉज दे हैव देयर नोज लाइक वो दबा हुआ ना होता है उनका, टिप वाला नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई दे डू ऑल दिस थिंग। मैं तो एक वीडियो ऐसा देखा था यूट्यूब पे कि वो लेडी का मेकअप उतरने के बाद वो लग ही नहीं रही थी लेडी है वो, और उसके पहले मेकअप में देखो आप उसे तो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी वो, तो वो चीज चाइनीज के साथ बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सर है, चलिए चलिए मैम, जो मैंने आपसे पूछा था मजा आ गया कि मेरे लिए क्या हो सकता है सर, आई सजेस्ट यूज फाउंडेशन अगर आपको हिचकिचाहट नहीं है, नहीं मैम, और फाउंडेशन आज सारे एक्टर्स लगाते हैं, सब लगाते हैं, मेल्स की स्किन पे थोड़ा सा ना अलग दिखाई देता है कुछ मेल्स की स्किन, हाँ मतलब दिखता है कि उन्होंने कुछ लगाया है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा SPF, क्योंकि SPF हमारा थोड़ा येलोइज बेस्ड है, SPF नहीं, नो बी ओनली SPF एंड फाउंडेशन आपके चेहरे के हिसाब से मुझे लगता है दो नंबर का सूट कर जाएगा आपको, दोनों मिक्स करो एंड देन अप्लाई, यही ये मैं भी करना, क्योंकि बीबी क्रीम तो बहुत ज्यादा उठ के दिखता है, हाँ। वो जरा सा भी लगाओ, बीबी क्रीम को भी कंट्रोल करना तो SPF के साथ मिक्स कर दो। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको जैसे अपना जो फाउंडेशन है उसमें थोड़ा सा रेडिशनेस आता है, फॉरेन लुक आता है, अगर आप हमारा ओनली वन नंबर एंड टू नंबर में वो लुक मिलेगा,
थ्री एंड फोर आर रियली ब्यूटीफुल इंडियन डार्क शेड में, और वो डार्क वही मैं कह रही हूँ वो इंडियन लुक हो जाएगा। हम लोग डार्क लाइट के कॉम्बिनेशन में पड़े हैं, जबकि हमारे फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छे पिची बेस्ड और येलो बेस्ड पर है, वो स्किन टोन के हिसाब से आपको बात करना है। जैसे मैंने बताया कि जैसे आपका स्किन, अगर मैं बात करूँ मैम आपका येलो टोन पे स्किन, ठीक है, तो आपके आप दिखते हो गोरे हो, लेकिन आपके चेहरे पे जहाँ तक मुझे लगता है तीन नंबर का फाउंडेशन बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा यू गो फॉर टू नंबर, वन टू दोनों सूट कर जाएगा। मेरे चेहरे पे वन भी करता है, टू भी करता है। ब्लैक नहीं दिख रहा है, जो एक फास्ट डायरेक्टर बड़ी हुई है उनका अच्छा खासा उन्होंने लिया था, तो बीबी क्रीम ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि येलो बेस था और ये उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। नहीं, दूसरी चीज आपका चेहरा काला दिखने का कारण है आपका चेहरा ड्राई है, आप कुछ लगा नहीं रहे, और आप डायरेक्टली फाउंडेशन लगाओगे तो वो सूखापन तो आएगा, दिखेगा चेहरा काला हो जाएगा। शी वाज वाचिंग फॉर द कस्टमर्स, कस्टमर को देना है, वहाँ के सिंधी कल्चर में क्या है कि गोरा दिखेगा, बट अपना तो नेचुरल है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, नहीं समझ रहे हो, जो इफेक्ट था वो गोरा वाला येलो वाला, इनकी बात फेड दिखना है, एक शेड और गोरा दिखना है, गोरा नहीं सफेद सफेद, और इसलिए लोग हमेशा अपने स्किन टोन के हिसाब से एक कलर लाइटर ले लिए, बट मेरे हिसाब से मैं वो सजेस्ट नहीं करती, मैं ये कहती हूँ जो कलर है वही कलर का फाउंडेशन लो, ताकि वो फिनिशिंग दिखाई दे, वो लुक टचअप का पूरा लुक नेचुरल लुक, तो नेचुरल लुक दिखता है वो है। बाकी बहुत सारे लोग सांवले कलर के हो तो सारे एक नंबर लेके चले जाओगे, दो नंबर चाहिए, तीन या चार, उनको तीन या चार, उनको थोड़ा सा डार्क शेड है, उनको तीन या चार। वैसे कोई भी ब्रांच ऑफिस में जाता है फाउंडेशन ट्राई करने के लिए, आप कभी यहाँ मत करना, टॉप पे यहाँ पे भी यहाँ और यहाँ, नो आपने घर का सिखाया है मुझे, आई नो हियर, कभी भी जॉ लाइन्स पे या तो फिर यहीं पे करोगे, यहाँ पे या यहाँ पे नहीं, यहाँ बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं, देखो सिंपल है, इसको भी आप ट्राई करवा रहे हो, मेरा हाथ ये वाला हाथ और ये चेहरा देखो, बहुत अंतर है, बहुत फर्क है, ये गोरा है ये काला है, अब मैं इसको लेती हूँ तो यहाँ पे ये गोरा है और ये काला है, हमेशा आप यहाँ लगाओ, जॉ लाइन इज द बेस्ट, जॉ लाइन और दिस इज द बेस्ट, यूज द फाउंडेशन, सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैम एक बार मुझे मेरी बिल्कुल करेंगे, जो मैंने बताया था कि समझ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, स्किन फॉर्मूला 9 की ट्रेनिंग भोपाल में बिल्कुल नहीं हो पाई है, और वो प्रोडक्ट बहुत बिक सकता है, प्लान कर रहे हैं फिर से भोपाल मैम, लेकिन जो भी होगा प्लीज ट्रेनिंग रखना, प्योर ट्रेनिंग रखना, ये तो हमने जान बुझ के रखा था सर, आधे से ज्यादा लेडीज जो आज आई है ना ये कब से जुड़ी हुई है, ये आज आ रही है लास्ट टाइम की मीटिंग थी मैम, मैं पर्सनली इस पे